इंडिया पोस्ट ऑफिस, ग्रामीण डाक सेवक भर्ती GDS। सेकंड, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बहुत सारे युवा साथी बार बार क्वेश्चंस कर रहे हैं, सर हमारा फर्स्ट DV सक्सेसफुली हो गया है और अब सेकंड DV के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, सेकंड DV कब शुरू होगा, आखिर कैसे होता है सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है, थोड़ा बोर्ड पर ध्यान दीजिए। ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ वही बात है जो आप पूछना चाहते हो, कोई नहीं बताएगा। अभिषेक क्लासेस पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेने के बाद वेल आइकन वाला बटन दबाइए और अपनी प्यारी प्यारी उंगलियों से एक बार लाइक अवश्य करना। देखिए दोस्तों, बात कर रहा हूँ इंडिया पोस्ट GDS सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। फर्स्ट DV सक्सेस हो जाने के बाद ही सेकंड DV होता है। दूसरी बात, फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो अभ्यर्थी नहीं कराता है उसका सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी नहीं होता है। सवाल सबसे बड़ा आ रहा था, फर्स्ट DV सक्सेस हो जाने के बाद सेकंड DV कितने दिनों बाद शुरू होता है। हमेशा देखा जाता है कि फर्स्ट DV जैसे ही सक्सेसफुली हो जाता है, फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लास्ट डेट निकलने के 10 से और 15 दिन बाद सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, 15 दिन के बाद नहीं आए तो दोबारा पहुंच जाना है। ये भी होता है कभी कभी किसी किसी डिविजन्स में कि अभ्यर्थियों के पास सेकंड DV की कोई सूचना ही नहीं आती। तो अगर आप फर्स्ट DV करवा चुके हो और कोई सूचना नहीं है सेकंड DV की, 15 से 20 दिन हो गया है, तो फिर से आपको वहीं जाकर संपर्क करना है जहां आपका फर्स्ट DV हुआ था। अगली बात करेंगे, सेकंड DV के लिए मैसेज आएगा आपके ईमेल ID पर और मोबाइल नंबर पर, एक्टिवेट आपको रहना है, चालू रखना है। वहां एड्रेस भी दिया हुआ होगा, उसी एड्रेस पर आपको डिविजनल ऑफिस हेड ऑफिस में सेकंड DV के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ पहुंचना है। ठीक है, अब हम बताएंगे आपको कि सेकंड DV किस प्रकार होता है। उससे पहले आपको घर से तो जाना होगा और घर से जाने से पहले इम्पोर्टेंट से डॉक्यूमेंट्स आपकी फाइल में होना जरूरी है। यहां आपको मैंने बताया है जरूरी दस्तावेज फॉर GDS सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। दोस्तों, फर्स्ट DV अगर सक्सेसफुली करवा चुके हो तो उस समय आपको एक लेटर दिया जाता है, वह लेटर होता है फर्स्ट DV सक्सेसफुली वाला, तो वो आपको लेकर जाना है। पहला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, दूसरा है 10वीं की मार्कशीट, ठीक है, एंड कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का होना जरूरी है, केंद्र का। कास्ट सर्टिफिकेट OBC EWS SC ST को चाहिए, OBC के अभ्यर्थी को 3 साल की वैलिडिटी वाला, EWS के अभ्यर्थियों को 1 ईयर की वैलिडिटी वाला कास्ट सर्टिफिकेट केंद्र का होना अति आवश्यक है। अगर PWD से चयन हुआ है तो PWD का सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। अगर 10वीं की मार्कशीट में आपका जन्म नहीं लिखा हुआ है तो उस कंडीशन में मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको लेकर जाना है, क्योंकि फर्स्ट DV के समय फोटोकॉपी लिया होगा आपके मेडिकल सर्टिफिकेट की, लेकिन सेकंड DV में अब आपको ओरिजिनल मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करवाना है, तो वो ओरिजिनल मेडिकल सर्टिफिकेट भी लेकर जाना होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, 3 से 4 पासपोर्ट साइज फोटोज लेकर जाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सभी की जो है मूल दस्तावेज यानी कि ओरिजिनल दस्तावेज आपको लेकर जाने हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, और सभी की 3-3 फोटोकॉपी आपको करवा लेनी है और 3-3 के सेट में कर लेनी है। कैसे, जैसे 10वीं की मार्कशीट की आपने 3 फोटो करवाई और तीनों ही फोटोकॉपी अटैच कर दी, उसी प्रकार कास्ट सर्टिफिकेट की आपने 3 फोटोकॉपी करवाई और तीनों ही आपने अटैच कर दी। 3-3 का सेट बनवाकर सेल्फ अटेस्टेशन आपको करना है और आधार कार्ड भी ओरिजिनल आपको लेकर जाना है। यही डॉक्यूमेंट्स आपको GDS के सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चाहिए।
अगर आपका सपना है जीडीएस की नौकरी लेने का और अगली मेरिट सूची का इंतजार कर रहे हो तो मेरिट लिस्ट में भी नाम आ जाता है लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट हो जाते हैं, और रिजेक्ट होने का सबसे बड़ा कारण है अधूरी जानकारी विद्यार्थियों के पास होना। पूरी जानकारी लीजिएगा अभी से ही, अगर आप एक्टिवेट होंगे इन चीजों पर तो कहीं ना कहीं आप रिजेक्ट होने से बचोगे। ठीक है, ये सब डॉक्यूमेंट्स लेकर घर से निकल गए हैं उस एड्रेस पर जो आपको मैसेज में आया है। अब वहां आप पहुंचते ही जो है आपका जो डिविजनल ऑफिस है उसमें फर्स्ट जीवी के समय जो लेटर दिया है वो दिखाना पड़ेगा कि देखिए आपके यहां ही आपके डिवीजन से मेरा फर्स्ट डिवी सक्सेसफुली हो चुका है, ये रहा मेरे पास लेटर। ये सब दिखाने के बाद अब आपके जांच होगी, आपके नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, अदर जितनी भी डिटेल्स आपकी है वह आपकी वहां मैच की जाएगी। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके चेक होंगे, दसवीं की मार्कशीट आपकी ऑनलाइन चेक की जाएगी, दसवीं की मार्कशीट ऑनलाइन भी चेक की जाएगी, ध्यान रखना इस चीज का। अगला, फोटोकॉपी के 3 सेट वहां जमा होंगे जो अभी मैंने आपको बताए, 3-3 के सेट में सेल्फ अटेस्टेड वह आपके वहां जमा होंगे। एक और जरूरी बात, जो अंडरटेकिंग वाले फॉर्म है 4 वो भी यहां सेकेंड डीवी के समय मांग लिए जाते हैं, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं वहां दे दिए जाते हैं, तो उनको भर के आप दे देना। अंडरटेकिंग के बारे में आपको मैं अलग से जानकारी दे दूंगा, वैसे मैंने बहुत अच्छे से वहां जानकारी दे रखी है। अभी से क्लासेस जीडीएस अंडरटेकिंग सर्च करना, वीडियो आ जाएगा यूट्यूब पर। नेक्स्ट, अब आपका सारा काम हो गया, सेकेंड डीवी का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद नेक्स्ट 1 महीने के बाद डीओ यानी कि डिविजनल ऑफिस से फोन कॉल आएगा। उस फोन कॉल में आपसे बोला जाएगा कि ट्रेनिंग के लिए आ जाइए, और जो आपने मूल दस्तावेज वहां जमा करवाए थे सेकेंड डीवी के समय वह आपको दे दिए जाते हैं ट्रेनिंग के समय। अगर कुछ ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स ने गड़बड़ी की है तो रोक लिए जाते हैं उस कंडीशन में, वरना दे दिए जाते हैं। अगर फोन कॉल नहीं आई ट्रेनिंग के लिए तो बाई पोस्ट के थ्रू आपके पास ट्रेनिंग लेटर आ जाएगा, ट्रेनिंग आपकी शुरू हो जाएगी। बीपीएम के पद पर सिलेक्शन हुआ है तो 10 से और 15 दिन की ट्रेनिंग करवा लेते हैं किसी किसी डिविजन्स में, बाकी एबीपीएम के पद पर चयन हुआ है तो 3 से 4 दिन की आपकी ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग के बाद आपकी कहीं ना कहीं जॉब पक्की है, फिर थोड़े ही दिनों में आपके पास ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। ट्रेनिंग के समय गुजारे दिन का भी आपको सैलरी दी जाएगी। यह वो बातें हैं जो हर कोई आपको नहीं बताएगा। इंडिया पोस्ट जीडीएस सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में मैंने आपको जानकारी दी, इससे अलावा और कुछ एक्स्ट्रा लपड़ा नहीं है, सीधी सिंपल सी बात थी जो मैंने आपके सामने रख दी। कैसी लगी जानकारी? अच्छी लगी होगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। हंसते खेलते मुस्कुराते रहिए, यही जीवन में काम आएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।